मुझे लगा था कि जो आइटम गाने हैं वो तो एक साइड पे हैं, मेरे ख्याल से जो एक उससे ज़्यादा एक ख़तरनाक जो एक चीज़ है सिनेमा में कभी कभी, वो ये है कि जो रोमांस दिखाया जाता है और किस तरह से एक हीरो अब हीरोइन को वू करता है, तो इट समटाइम्स गोज़ फ्रॉम बीइंग रोमांटिक टू ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन स्टॉकिंग, यू नो पीपल उसे चीयर करते हैं, और क्योंकि वो हीरो है फिल्म का तो who's playing the so-called stalker, he eventually ends up getting the woman. तो ये जो अजीब सा एक सिग्नल है जो जाता है लोगों तक और कहता है कि अच्छा अगर मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसके ऊपर कूदूँ, उसका रास्ता रोकूँ, उसे छेड़ूँ, उसे तंग करूँ, उसके कमरे में घुसकर उसे परेशान करूँ, उसका उसके सबके सामने उसका मजाक उड़ाऊँ, उसे छिड़ाऊँ. तो दीज आर स्ट्रेंज सिग्नल्स एंड देर इज ऑफकोर्स देर इज समथिंग नोन एज फ्लर्टिंग, देर इज समथिंग नोन एज बींग मिस्चीवियस. But at times that line can be crossed and there is a certain degree of responsibility and restraint I think that should be shown. Aapka jo mard campaign hai, kabhi aisa dimag mein aapke khayal aata hai ki humne Amitabh Bachchan ki mard dekhi thi, agar Farhan ko mard banani ho to aisi mard ho? Nahi, matlab I don't know how to answer this question. Main kya jawab hu uska? Ye jo hai men against rape and discrimination mere khayal se mere liye filmon se ek bahut बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्मों में होती है वो बस अब एक काम की तरफ होती है. ये मतलब एक बहुत एक अलग सा एक मुद्दा है, एक बहुत अलग सी एक जिम्मेदारी है जो मतलब सिर्फ मुझे नहीं, सिर्फ मेरे काम को नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करती है. तो मैं मतलब आई डोंट थिंक अबाउट एनी फिल्म. हाय एवरीबॉडी, आई एम शाहरुख खान. वॉच मी ओनली ऑन facebook.com/businessofcinema.